Assalamu alaikum everyone, this is Khalil and I'm on a mission to help 100,000 people make a living online. ये video मेरे beginners course for freelance writers में 5th video है. अभी तक इस course के अंदर मैं आपके साथ ये discuss कर चुका हूँ कि blog post कैसे लिखते हैं, और उसके बाद मैंने ये discuss किया कि scams किस किस्म के होते हैं online world में if you're working online, और third हमने payment methods discuss किए. If this is the first video that you're watching on my channel, welcome. Yahan pe we talk all about how to make a living online and how to become financially independent as you work remotely. If you are interested in that, consider subscribing and hitting that bell icon taki meri har aane wali video se aap update rahe. Acha, pehle jab main video bana raha tha to this video was supposed to have two parts. Pehla part tha jiske andar I would be showing you एक negotiation, एक real life negotiation मेरे client के साथ. मैं सारे messages दिखाऊँगा आपको. और दूसरा part was supposed to be कि आप as a beginner जिसके पास कोई भी experience नहीं है, आप clients को कैसे approach कर सकते हैं और कैसे उनको message कर सकते हैं, email कर सकते हैं. It was supposed to be all in one video, लेकिन ये video काफ़ी लंबी हो गई. In the end ये about 20 minutes तक जा रही थी, तो मैंने दो parts अलग अलग दो videos में कर दी हैं. बट द गुड थिंग इज़ ये वाली इन दोनों वीडियोज़ के बीच में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होने वाला. आज फ्राइडे है जब आप ये देख रहे हो, प्रॉब्ली अगर आपने पहले दिन देखी है दिस इज़ फ्राइडे. कल सैटरडे को मैं अपलोड करूँगा मेरी वो वाली वीडियो जिसके अंदर मैं आपके साथ एक चीट शीट शेयर करूँगा, जिसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि अगर आप क्लाइंट्स को मैंशन करेंगे तो दे वुड सर्टनली बी मोर ओपन to hiring you, even अगर आपके पास कोई experience नहीं है. So without wasting any more time, let's get straight into the negotiation. All right, so हम आते हैं मेरे cover letter की तरफ. Now what is a cover letter? A cover letter is basically आपकी job application उस job के लिए, जिसके अंदर आप explain करते हो कि why you are the perfect person for the job. ठीक है, सो लेट्स सी कि मैंने क्या लिखा है इस क्लाइंट के लिए. हे क्लाइंट का नाम, आई सॉ योर जॉब पोस्टिंग फॉर डॉग नीश राइटर्स. अब उसने लिखा हुआ क्या था अपनी जॉब पोस्टिंग में कि उसको डॉग नीश के राइटर्स चाहिए. नीश क्या होती है? इंडस्ट्री. इसलिए मैंने उसको कोट किया. आप थ्रू आउट ये कवर लेटर ही नोटिस करेंगे कि मैं उसको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आई एम द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस जॉब, मेरे से बेहतर कोई बंदा है ही नहीं, और ऐसे ही आप हायर होते हो. सिर्फ हायर कौन होता है? बेस्ट बंदा. तो आपने अपने आप को ये दिखाना है कि आप बेस्ट बंदे हो इस काम के लिए. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम करेंटली वर्किंग एज द कंटेंट मैनेजर एट ए कंपनी. उसका नाम मैंने ऑब्वियसली रीजंस के लिए ब्लर किया है. इन वायोमिंग USA. वी हैव बीन वर्किंग ऑन द पेट नीश फॉर द पास्ट ईयर नाउ, सो आई हैव बिकम मच ऑफ एन एक्सपर्ट इन इट. द स्कोप ऑफ माई जॉब इंक्लूड्स राइटिंग माई ओन आर्टिकल्स एज वेल एज एडिटिंग, SEO ऑप्टिमाइजिंग and uploading articles submitted by 15 other writers in the company. So it's safe to say that I'm well aware of on-page SEO. Check out my online portfolio, portfolio ka link. You can access my samples directly here, sample page ka link. Hope to hear back from you soon. Regards, Khalilullah. Sorry for interrupting your video like that. I know aap is time pe soch rahe honge ki maine jo client ko message kiya hai uske andar I've talked all about my experience, aur aapke paas experience nahi hai. So I don't want you to worry about that right now. मेरी अगली आने वाली वीडियो जो है, जो कि कल ही रिलीज़ होगी, उसके अंदर आई हैव टॉक्ड ऑल अबाउट वो सारे पॉइंट्स जो कि आप एज ए बिगेनर जिन पे फोकस कर सकते हो और क्लाइंट को मैसेज करते वक्त. और आई एम वेरी श्योर कि यू विल गेट अ बेटर रिस्पॉन्स अपने क्लाइंट्स की तरफ से. सो डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ. अभी इस वीडियो का फोकस इज़ अबाउट नेगोशिएशन और वो आगे आने वाली है. सो जस्ट फोकस ऑन दैट. रिप्लाई आया, हेलो, You do seem to be an all-round good hire for writing and editing. Are you comfortable with articles longer than 2000 words? Are you comfortable with the dog niche? अब आप समझें किस्म का इंटरव्यू शुरू हो रहा है मेरा. क्लाइंट ने एग्री किया कि हाँ, मुझे यू हैव कॉट माय अटेंशन और आई थिंक यू वुड बी अ गुड फिट. अब वो इंटरव्यू ले रहा है मेरा अबाउट उसको जो रिजर्वेशंस हैं. और अब मेरा आप जवाब सुनिएगा और हमारा बैक एंड फोर्थ जो चलती है उस निगोशिएशन को देखिएगा. मेरा जवाब, हे एब्सोल्युटली, आई कुड हैव सेड यस और आई कुड हैव सेड आई थिंक सो. आई सेड एब्सोल्युटली. क्यों? मेरी हर वर्ड शुड शो सर्टेंटी एंड इट शुड शो कॉन्फिडेंस. कोई बंदा एक
डरे हुए बंदे को हायर नहीं करता। इवन अगर आप नए हो, जस्ट शो कॉन्फिडेंस एंड शो विलिंगनेस टू लर्न। या ये कहो कि भाई ये आप जो काम चाहिए मैं परफेक्टली कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। अगर वो डायरेक्टली ये कहे कि ये चीज़ आपको आती है या नहीं आती है, और अगर आपको एक्चुअली नहीं आती है तो उसको इस तरह मेंशन करो कि यू नो आई हैवंट हैड द चांस टू डू दिस येट, बट आई एम विलिंग टू लर्न, विलिंग टू स्पेंड द टाइम ऑन परफेक्टिंग इट। ठीक है, ये विलिंगनेस के साथ उसको कॉम्पनसेट कर दो। खैर वापस जब आपकी तरफ आते हैं, एब्सोल्युटली आई हैव रिटन आर्टिकल्स अप टू 5000 वर्ड्स, सो दैट इज़ एन इशू। वो क्या मुझे कह रहा था कि आपने 2000 वर्ड तक लिखे हैं, मैं उसको कहता हूँ भाई मैंने 5000 तक लिखे हैं, कोई इशू नहीं है। अगेन ये काफ़ी पुराना है, आई डोंट रिमेंबर मैंने 5000 वर्ड्स तक के लिखे हुए हैं आर्टिकल्स तब तक या नहीं, लेकिन आई न्यू आई कुड पुल ऑफ 2000 वर्ड्स क्योंकि वो तो मैंने लिखे हुए हैं बहुत दफ़ा। थ्रू आउट दिस नेगोशिएशन आई जस्ट वॉन्ट यू टू रियलाइज किस तरह मैं बार बार उसको ये फील करा रहा हूँ कि आई एम द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस। आगे चलते हैं, उसका दूसरा सवाल ये था, आर यू कम्फर्टेबल विद द डॉग नीश? मेरा जवाब, एंड द पेट नीश इज़ वॉट आई हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर सो लॉन्ग, सो दैट्स नॉट एन इशू एज वेल। इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बात बता दूँ, मैंने कभी भी डॉग्स पे नहीं लिखा हुआ था। उसने मेरे से क्या पूछा कि आर यू कम्फर्टेबल विद द डॉग नीश। मैंने पेट्स के ऊपर लिखा हुआ था, मैंने उसमें कैट्स आ गए और डिफरेंट और पेट्स आ गए, डॉग्स पे मैंने कभी भी नहीं लिखा हुआ था। लेकिन व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपनी उस खामी को, उस कमज़ोरी को छुपा दिया, ढका दिया, और उसको क्या कहा, हाँ मैं पेट नीश में बहुत देर से काम करता रहा हूँ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और जो कि मैं नए फ्रीलांसर्स से देखता हूँ कि बार बार वो ये गलती कर रहे हैं, नेगोशिएशन जो है वो दो साइडों पे होती है हमेशा। अगर आप एक टेबल पे बैठे हैं नेगोशिएट करने के लिए, मेक श्योर कि आप भी उस नेगोशिएशन में से कुछ जीतें। यहाँ पे आप अपनी टोन सेट कर रहे हैं उस क्लाइंट के साथ, बराबरी की टोन सेट कर ली तो आगे भी बराबरी से काम चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने टोन सेट ये कर ली कि क्लाइंट हर चीज़ के फैसले करता है, क्लाइंट आपको एक किस्म का इस वर्क रिलेशनशिप को चलाता है और हर चीज़ वैसे होती है जैसे क्लाइंट चाहता है, तो आगे भी ऐसे चलता रहेगा। मैं बारहा ये कहूँगा, बदतमीज़ी से बात नहीं करनी है, आप अपने पॉइंट को क्रॉस लेके जाएं, अपनी डिमांड्स रखें, लेकिन उनको ज़रा प्यार से शुगर कोटेड अल्फाज में रखें। सो चेक दिस आउट, हाउ एवर आई डू होप यू गिव क्रेडिट टू योर राइटर्स। मैं हिंट किस साइड पर कर रहा हूँ कि अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आर्टिकल्स मेरे नाम से पब्लिश हों, जिसकी इम्पोर्टेंस और जिसकी वैल्यू मैंने बहुत दफ़ा डिस्कस कर ली है इस चैनल के ऊपर। उसका जवाब चेक करें, इंटरेस्टिंग, आई करेंटली हैव हायर्ड समबडी फ्रॉम पेरू हु हैज़ अ सिमिलर प्रोफाइल टू यू, वर्सटाइल, नॉलेजेबल, ग्रेट सिंटैक्स एंड कैन हैंडल आर्टिकल्स विदाउट ओवरसाइट फ्रॉम मी। यहाँ पर उसने एग्री कर लिया कि हाँ, लुक्स लाइक तुम काफ़ी एक अच्छे पर्सन हो फॉर द जॉब। एंड आई नीड वन मोर कॉन्टेंट निंजा, I'm currently testing a couple of other candidates and I would love to try you out, paid trial. उसने हिंट क्या किया है कि मैं ये चाहता हूँ कि हम एक पेड ट्रायल कर लें, मैं आपको उस आर्टिकल के लिए पे करूँगा और अगर मुझे वो अच्छा लगा सो लेट्स कॉन्टिन्यू फिर आगे। उसने मेरी रिक्वायरमेंट का जवाब क्या दिया जो मैं निगोशिएट कर रहा था उसके साथ, दे नेवर रियली आस्क बट दैट्स डेफिनेटली डूएबल। सो इम्पॉर्टेंट, आई दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आई रियली विश इस टाइम पे बिगिनर फ्रीलांसर्स जितने भी हैं पाकिस्तान के, दे कुड बी हेयरिंग दिस एंड लिसनिंग टू दिस। उसने क्या कहा है कि मेरे से कभी किसी राइटर ने कहा ही नहीं है, इसलिए मैंने कभी किसी का ना किसी के नाम के साथ पब्लिश नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली इट इज़ डूएबल, अगर आप चाहते हैं तो हम ये कर लेते हैं। विच गोज़ टू शो कि यू ओनली गेट वट यू आस्क फॉर, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो Please be confident in asking for this. और ये मेरा ritual है when I work with clients, मैं उनसे हमेशा ये बात कहता हूँ कि I hope कि वो clients writers के articles को credit करते हैं, और a lot of times जैसे हम नहीं करते हैं, and then I see कि यार अच्छा अब do I want to work with the client or not, कर भी लेता हूँ नहीं भी करता हूँ। ठीक है, so मेरा answer sounds perfect। अब आगे एक और मसला आ गया, ठीक है, नेगोशिएशंस में मसले होंगे, इंटरव्यूज़ में मसले होंगे। ही सेज लेट मी नो इफ़ यू आर हैप्पी विद पेपाल पेमेंट्स एज वेल एज $15 पर 1000 वर्ड्स
इफ़ सो वी कैन गेट स्टार्टेड विद अ ट्रायल ब्लॉग पोस्ट. ये एक साल पुराना है, सो माई रेट्स आर नो वे क्लोज टू जो ये रेट बता रहा है. दे आर वेरी अलॉट हायर. ठीक है, खैर. सो अब मसला क्या है, वो PayPal की बात कर रहा है कि क्या मैं PayPal पे पेमेंट लेने के लिए तैयार हूँ. इशू क्या है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड मेरे पेमेंट मेथड वीडियो के अंदर, PayPal पाकिस्तान में नहीं है. और अब मैं उसका रिप्लाई किस तरह करने लगा हूँ. आई एम हैप्पी विद $15 पर 1000 वर्ड्स, उसके रेट से मैं खुश हूँ. हाउ एवर वी डोंट हैव PayPal इन पाकिस्तान, हाउ अबाउट वी वर्क थ्रू अपवर्क. आई हैव टू कीप माई प्रोफाइल रोलिंग एज वेल सिंस आई एम ऑन ट्रैक फॉर द टॉप रेटेड स्टेटस एंड इट विल ऑल्सो गिव मी एंड इट विल ऑल्सो सॉल्व द PayPal इशू एज वेल. यहाँ पे मैंने किया क्या, मैंने इसको कहा है कि PayPal पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आप ऐसा करें, आप मुझे अपवर्क पे हायर कर लें. अपवर्क पे हायर करेंगे तो आपको PayPal की ज़रूरत नहीं है, आपने अपवर्क पे करना है और अपवर्क मुझे पे कर देगा. सो मेरा काम भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा. व्हेनेवर आई गो इनटू नेगोशिएशन, तो आई नो बिफोर हैंड कि मैं इस नेगोशिएशन से क्या चाहता हूँ, फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए है मुझे इससे. और मैं उसकी एक लिस्ट बनाता हूँ कि आइडियल सिनेरियो में मुझे ये सब चाहिए है. एंड देन आई हैव थिंग्स के जिन पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, देन आई हैव अदर थिंग्स जिन पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, और ये लिस्ट वेरी करती है टाइम टू टाइम, क्लाइंट टू क्लाइंट, मेरी उस टाइम पे इंपॉर्टेंस मैं किस चीज़ को दे रहा हूँ. इस लिस्ट के अंदर हिस्सा ये था कि मुझे अपवर्क पे क्लाइंट मिले, बाहर ना मिले, फेसबुक पे ना मिले, क्योंकि मेरी अपवर्क प्रोफाइल इस टाइम पे थोड़ी सी अभी इस्टेब्लिश हो रही थी. एज़ यू कैन सी कि मैं अभी टॉप रेटेड होने वाला था, सो मैं ये चाहता था कि मुझे कोई क्लाइंट अपवर्क पे मिले ताकि मैं टॉप रेटेड स्टेटस हासिल कर लूँ. मैंने वो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे थे कि PayPal से वो पेमेंट देना चाह रहा था, PayPal पाकिस्तान में है नहीं, मैंने अपनी वो चीज़ जो मैं चाहता था, मेरी अपनी प्रायोरिटी को ही सोल्यूशन बना के वहाँ पे दे दिया. इसीलिए आपका हेड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. जब आपको पता है कि आप इस नेगोशिएशन से चाहते क्या हैं, तो वो नेगोशिएशन बहुत अच्छी जाएगी. आपको पता होगा आपने बातें कहाँ से घुमानी है, कहाँ पे लेके आनी है. आपको पता होगा किस पॉइंट पे आपने बात गोल कर देनी है और किस पॉइंट पे आपने एक्सपैंड कर देनी है. जब आपको ये सब कुछ पता होगा, इट वुड बी ग्रेट. उसका रिप्लाई, ओ यस, आई एम ऑल्सो ऑन अपवर्क एंड हायर्ड पीप्स फ्रॉम देयर, सो डेफिनेटली फाइन. मेरा रिप्लाई साउंड्स ग्रेट. आगे भी हमारी बात चली, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूंगा, बिकॉज आगे इज जस्ट रेगुलर काम रिलेटेड बातें. ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज माय वीडियो ऑन नेगोशिएशन. आई होप इससे आपको कोई यूजफुल टेक अवे मिला हो. डू रिमेंबर कि मेरी आने वाली वीडियो इज़ अबाउट व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स यू कैन मेंशन ताकि क्लाइंट्स आपको हायर करें. इवन इफ़ यू आर बिगिनर, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स रियली द कंप्लीट डिस्टिल्ड वर्जन ऑफ ऑल दैट आई हैव लर्नड एज ए फ्रीलांस राइटर. सो बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है. टू चेक दैट आउट एज वेल इफ दिस इज सैटरडे और बियॉन्ड. टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ खलील. अल्लाह हाफिज़.